we are going to learn about setting a theme for slides. What is a theme? A theme represent a set of predefined colors, forms, effects, जिससे आप अपना जो भी स्लाइड्स है उसको एक प्रोफेशनल लुक में सिर्फ प्रेजेंट कर सकें. नाउ वी स्टार्ट. नाउ आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं जो स्क्रीन है इसमें आपको कलरफुल दिख रही है स्क्रीन लाइक ग्रे एंड पिंक पिंक शेड और लास्ट जो भी आपने लेक्चर में देखा था उसमें पूरी व्हाइट थी आपकी स्लाइड. तो नाउ आपने ये कैसे सेट किया, दिस इज कॉल्ड थीम. अ थीम रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रीडिफाइंड कलर्स फोन्स इफेक्ट्स एंड मोर देट कैन बी अप्लाइड टू योर एंटायर प्रेजेंटेशन टू गिव इट अ कंसिस्टेंट प्रोफेशनल लुक. तो हाउ टू अप्लाई, टू क्लिक ऑन डिजाइन टैब. This is the design tab and themes group. This is called the themes group. So now आपके यहाँ पर बहुत सारे themes available हैं. जो भी required है आपको उसे आप choose करेंगे तो then यहाँ पर आपकी slide में जो भी themes है वो यहाँ पर show होगी, apply हो जाती है. जैसे like अगर मैं इस पर just click करती हूँ one click तो ये इसका पूरा change हो गया इसका look. एंड ये ड्रॉप डाउन है इसमें यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अवेलेबल होती है या देन आप ऑनलाइन भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. लाइक अगर जैसे मैंने अभी जो सिलेक्ट है थीम इसमें अभी कलर आपका क्या आ रहा है पूरा ब्लैक है. ये आपकी फर्स्ट टाइटल स्लाइड एंड जो अनदर स्लाइड्स होती है उनका चेंज हो जाता है. ये आपकी थीम को सेट करता है. जैसे फर्स्ट पेज जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है देन आपके जो अदर पेज होते हैं वो चेंज होते हैं, वैसे ही आपकी जो टाइटल स्लाइड होती है उसका व्यू चेंज होता है देन उसमें जो अदर स्लाइड्स बनाते हैं उनका व्यू चेंज होता है. नाउ इसे यहाँ पर आपको स्लाइड का फॉर्मेट तो सही लग रहा है बट आपको कलर ब्लैक पसंद नहीं आ रहा है तो आपका जो भी रिक्वायर्ड कलर है तो यहाँ से आप कलर से चेंज कर सकते हैं कलर. देन देखिए यहाँ पर इसमें शेप चेंज हो रहे हैं. इसमें नीचे साइड से देखिए जैसे यहाँ पर आपने रतलाम पब्लिक स्कूल लिखा तो उसका येलो कलर देन यहाँ पिंक शेड नेक्स्ट. तो यहाँ से आप इसे कलर्स को सेट कर सकते हैं जो भी आपका रिक्वायर्ड कलर हो. एंड फोन्स लाइक अभी आप जो भी फोन्स सेटिंग कर रहे थे तो आपको पर्टिकुलर वन बाय वन एक स्लाइड पर पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करके करना सीखा था. देन यहाँ पर अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फोन सिलेक्ट करेंगे तो देन आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको सभी का फोन चेंज हो सकता है. थैंक यू.